अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम। आप यहाँ? क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? और अगर तुम्हें बुरा लगा है तो बता दो, मैं चली जाती। नहीं नहीं पप्पू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आए ना अंदर प्लीज। चल। क्या बात है रमशा, अश्विन आंटी के आने से तुम खुश नहीं लग रही? जब से आई है परेशान लग रही हो। हाँ, हैरत तो हो रही है मुझे। क्यों? यानी हैरत तो होगी ना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ मुझसे मिलने आई हैं। अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के यहाँ इस इलाके में इस घर में आई हैं। और वो मुझसे, तुमने देखा कि कितने अच्छे से बात करी थी, कितनी खुश अखलाकी से बात करी थी। मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे अब क्या राज है। पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा चलो, तो ये तो रखिए वहां। हाँ चल, ये पकड़ रहा था। अफशीन बहन, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, नीचे ना। बहुत शुक्रिया, मैं दरअसल खाना खाकर आई थी। आप इतनी अचानक आई, अगर मुझे पहले से पता होता तो कुछ बेहतर इंतजाम तो करती ना आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल हम लोग तो बहुत पहले आना चाह रहे थे, लेकिन अफनान और रमशा के बीच में जो भी गलतफहमियां हुई उसकी वजह से सच पूछे तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। रमशा, अलीजे सच में बहुत शर्मिंदा है। आप तो जानती हैं कि रिश्तों में अक्सर गलतफहमियां हो जाती हैं। बात बढ़ जाती है और हम शायद समझ नहीं पाते। आखिर गलतियां भी तो इंसान से ही होती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी गलती का एहसास हो जाना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप इजाजत दें तो मैं रमशा को अपने साथ ले जाऊं। अब भाईजान इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अब मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन आप एक बार शानी से। हाँ हाँ, मैं शानी से बात करती हूँ। मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेगा। आप चाहे तो खत्म करें। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? ओ, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। इसका मतलब है कि तुमने अलीजे को अभी तक माफ नहीं किया है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर अलीजे ने दिल से मुझसे माफी मांग लिया और उसने दिल साफ कर लिया तो मैंने भी उसे माफ कर दिया। जाहिर है कि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसीलिए तो उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा, तुम्हें पता है अलीजे खुद ही आ रही थी,
दरअसल उसकी मीटिंग आ गई इसलिए आ नहीं सकी। अच्छा चलो आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हमारे लिए नहीं तो कम से कम अपने मामू जान के लिए। तुम्हें देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मैं इंतजार कर रही हूँ। भाई अब वो खुद चल के आई हैं, वैसे भी इससे पहले कभी उन्होंने मुझसे कुछ मांगा नहीं तो मना नहीं कर सकता था। तुम कल लेने आ जाओगे ना मुझे? नहीं कल नहीं, मुझे एक दो दिन के लिए हैदराबाद जाना है, वहां से मेरा काम खत्म होगा, तुम्हें कॉल कर दूंगा फिर लेने आ जाऊंगा। जीती रहो, किन कामों में पड़ गई तुम? अरे रमशा तुम कब आई? जब वो अलीजा और अफीम गए थे रमशा की तरफ तो वो ले आए इसे। हाँ पता नहीं दोनों कब से प्लानिंग कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं चल रही थी। डैड आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की बहकी बहकी बातें तो इंसान बुखार में ही करता है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा। तुम रमशा से पूछ लो। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा, पूरी दुनिया बदल सकती है लेकिन अलीजा नहीं। चलें आप लोग बैठकर चाय पिएं, मैं चेंज करके आता हूं।